हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड ये अभी बारिश हो रही है इसलिए हम लोगों ने ये गार्ड लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बट इन दिस वीडियो आई वांट टू डिस्कस अबाउट सीयूबी, बेताबोट एंड सिक्कुम। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, मतलब जो नए आए उनको तो पता ही नहीं होगा, तो जो पुराने हैं शायद उन लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा। एंड जिसको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको पता है उसको तो पता ही होगा। एंड जिसको नहीं पता उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूँ व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन सीयूडी, बेताबोट एंड सिक्कुम। तो बेताबोट, लेट मी टॉक अबाउट बेताबोट फर्स्ट, बिकॉज सीयूडी जो है वो बेताबोट का ही पार्ट है, मतलब बेताबोट के अंदर ही आता है। एंड बेताबोट में क्या होता है कि ओल्ड एज होम, मतलब बेताबोट मतलब ओल्ड एज होम जहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो पहले हम लोगों ने सुना होगा, मैंने तो सुना था कि अगर आपके एम्प्लॉयर को बेताबोट लेके जाते हैं तो हम लोगों को एम्प्लॉयर छोड़ना पड़ता है या काम छोड़ना पड़ता है ना, हमें दूसरा काम पे जाना पड़ता है। तो हाँ, ये बात सच है, लेकिन बेताबोट ले जाने के बाद नहीं, सीयूडी ले जाने के बाद ये कन्फ्यूज़न आप सबको मैं क्लियर कर दूँ। मैं भी बेताबोट में काम करती हूँ बट मैं अपना एम्प्लॉयर को नहीं छोड़ रही हूँ, मैं उनके साथ ही काम कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेताबोट। फर्स्ट बेताबोट जहाँ पे सिर्फ इजरायली लोग काम करते हैं, एंड सेकेंड टाइप ऑफ बेताबोट इज माइन। तो यहाँ पे इजरायली है, डिफरेंट कंट्रीज से है। एंड फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 आवर्स का भी केयर गिवर आता है, 6 आवर्स का भी आता है। तो यहाँ पे सब मिक्सअप है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजरायली लोग ही काम कर सकते हैं। यहाँ पे इजरायली, इंडियन, रशियन, फिलिपिनो, मालदोवा, डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे काम करते हैं। एंड फिर सीयूडी भी था पहले हमारे यहाँ पे बेताबोट के अंदर ही, लेकिन अभी वो नहीं है, थर्ड फ्लोर पे था लेकिन अभी नहीं है। तो द सेकेंड थिंग इज सीयूडी, लेट मी मेक यू क्लियर अबाउट सीयूडी। सीयूडी जब लोगों को लेके जाते हैं तो वो एक्सट्रीम लेवल के लोग होते हैं, जिस जहाँ पे हम काम नहीं कर सकते, केयर गिवर, नॉर्मल केयर गिवर काम नहीं कर सकते, जहाँ पे उनका डिमेंशिया लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड दिन में रात में नहीं सोते, उन लोगों को सीयूडी लेके जाते हैं। एंड या फिर आपका काम बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, डिप्रेशन में है दादा दादी, एंड वो लोग रोज रोते रहते, सुबह शाम रोते रहते, तो उन लोगों को लेके जाते हैं सीयूडी। ऐसे ही नहीं लेके जा सकते सीयूडी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है। तो वो उनका एक अलग से पेपर बनता है कि हाँ, आप अभी आपके पेरेंट्स को, आपके एम्प्लॉयर को सीयूडी लेके जा सकते हो, तभी ही सीयूडी लेके जाते हैं। तो मैंने भी बहुत बार सुना था जब मैं नहीं आई थी कि अगर दादा दादी को बेताबोत लेके गए तो हम लोग काम नहीं कर सकते, ऐसा मैंने सुना था। बट सीयूडी के बारे में मैं आप सबको क्लियरली बता दूँ, सीयूडी इज़ अ प्लेस जहाँ पे सिर्फ इजरायली लोग ही काम करते। मैं इंडियन के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि हम इंडियन काम नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ पे रशियन, फिलिपिनो कोई काम नहीं कर सकते, नो अदर नेशनैलिटी, ओनली इजरायली, क्योंकि वहाँ पे बहुत टफ होता है सिचुएशन एंड वो लोग शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं वहाँ पे, एंड वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं वो काम के लिए, एंड वो लोग अच्छे से हैंडल करते हैं, इसीलिए हम केयर गिवर्स को वहाँ पे अलाउड नहीं है। एंड सीयूडी में जब दादा दादी को लेके जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों का अलग से सब कुछ अलग होता है, वो बिल्कुल बेताबोत जैसा नहीं होता है, जैसे हम लोगों का बेताबोत है वैसा तो बिल्कुल नहीं होता है। सीयूडी इज़ डिफरेंट प्लेस। तो ये सब, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम से सुनो कि आपका एम्प्लॉयर को बेताबोत लेके जाता है तो वो बेताबोत नहीं होता है, वो सीयूडी होता है, तो आप अपने फैमिली से, मतलब जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से आप अच्छे से क्लैरिटी लो कि आपको, आपके एम्प्लॉयर को बेताबोत लेके जा रहा है या फिर सीयूडी लेके जा रहा है। क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयर को बेताबोत लेके जा रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेताबोत में आपको फ्रेंड्स मिल जाएंगे एंड बहुत कंफर्टेबल होती है लाइफ थोड़ी बहुत एम्प्लॉयर का भी, क्योंकि उनको भी फ्रेंड्स मिल जाएंगे। एंड हॉस्पिटल मतलब छोटा सा एक क्लिनिक भी होता है, बट वेयर एज सीयूडी बहुत ही अलग चीज़ है। तो मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि सीयूडी एंड बेताबोत में फ़र्क है। एंड दूसरी बात, सिक्कुम, वॉट इज़ सिक्कुम? तो सिक्कुम में क्या होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर गिर गया या फिर उनका मेजर ऑपरेशन था तो उसके बाद उनको सिक्कुम में लेके जाते हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, केयर गिवर अलाउड होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 8 आवर्स 9 आवर्स की ड्यूटी लगी रहती है एंड उसके बाद वो लोग केयर करते हैं। बट सिक्कुम इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप
भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका फैमिली ने डिसाइड किया कि वो रिकवर नहीं हो रहे, तो वो उनको वहाँ पे सिक्कू में ही रख देंगे एंड आपका वहाँ पे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी इसराइली लोग ही काम करते हैं। तो अगर आपको आपको बोल रहा है कि हाँ दादा आपका एम्प्लॉय रिकवर नहीं कर रहा है एंड हम लोगों ने सिक्कू में ही रखने का डिसाइड किया है, तो देन यू हैव टू लीव योर एम्प्लॉयर, तब आपको आपका एम्प्लॉयर छोड़ना पड़ेगा। एंड इवन यू कैन चेंज योर नंबर, एंड अगर आपका दादा दादी या फिर एम्प्लॉयर को CUD लेके जाते हैं, देन ऑल्सो यू कैन चेंज योर नंबर। बट बेताबोत इज डिफरेंट थिंग। बेताबोत में आप जा सकते हो अपने दादा दादी के साथ टू जस्ट हैव अ बेटर लाइफ। तो आप अपने फैमिली से पूछ लेना कि वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं, या तो या फिर CUD या फिर बेताबोत या फिर सिक्कुम। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुकी है। एंड बेताबोत में ऐसा है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे सब नेशनैलिटी के काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट CUD में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो एकदम बोलते हैं ना कि मतलब लाइक हम लोगों को अलाउड ही नहीं है वहाँ। तो ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों को मतलब आप लोग सोचते होंगे कि बेताबोत लेके जा रहा है तो हम लोगों को काम छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई कोई फैमिली होती है कि हाँ एम्प्लॉयर को बेताबोत लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छी लाइफ दे सकते, विथ केयर गिवर्स लेके जाते हैं। एंड कहीं कहीं आपने सुना होगा कि दादा दादी को मतलब लाइक बेताबोत लेके गए तो हम लोगों को काम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो बेताबोत नहीं होता है, वो CUD होता है। फिर से मैं क्लियर कर दूँ, CUD होता है। तो सिक्कू में आप काम कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर ही एडवाइस करते हैं कि सिक्कू लेके जाए जहाँ पे लाइक जहाँ पे रिकवर हो सके। इट्स अ रिकवर सेंटर, सिक्कू इज अ रिकवर सेंटर बोल सकते हैं हम लोग, सिक्कू में रिकवर होते हैं लोग। बट वेर एज जहाँ पे रिकवर नहीं हो पा रहे पेशेंट, मतलब लाइक रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग फैमिली मेम्बर क्या करते हैं कि अभी तो रिकवर नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, तो पेरेंट्स को वहीं छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे जब छोड़ देते हैं तो आप नहीं काम कर सकते हो फर्दर, जितनी आवर्स की भी ड्यूटी थी वो ख़त्म हो जाएगी एंड वहीं पे रख देंगे वो लोग। तो ये चीज़ें है, ये डिफ्रेंशिएट है। वेर एज CUD में डिफरेंट है। CUD में आपको डायरेक्टली मतलब लाइक डाल देते हैं, वहाँ पे रिकवर होने का ऐसा कुछ सीन नहीं है एंड आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ड्यूटी नहीं है। आपको डायरेक्टली वो लोग डिसमिसल कर देंगे एंड उसके बाद आप नंबर चेंज कर सकते हो, काम चेंज कर सकते हो। बट वेर एज आपके दादा दादी को सिक्कू लेके गया तो वहाँ पे चांसेस है कि वो रिकवर हो के आप फिर से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर वो रिकवर नहीं हो रहे या फिर रिकवर होने के चांसेस कम है, तो डॉक्टर पहले ही बता देगा कि ये रिकवर नहीं करेंगे, तो क्या करना है कि इनको यहीं पे छोड़ देना है। तो वहाँ छोड़ने के बाद फैमिली आपको डिसमिसल कर देगी, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। तो सिक्कू एक हो गया, CUD एक हो गया एंड बेताबोत अलग हो गया। बेताबोत का भी मैंने 2 पार्ट्स बता दिए, कि जहाँ पे एक बेताबोत हमारा बेताबोत एंड दूसरा बेताबोत का मैंने बता दिया कि वहाँ पे सिर्फ इजरायली लोग काम कर सकते हैं एंड वो लोग भी शिफ्ट में काम करते हैं। मैं बता दूँ, सब शिफ्टिंग में काम करते हैं। CUD में भी शिफ्टिंग वाइज होती है, क्योंकि CUD लाने का मेन मोटिव ही यही होता है कि वो काम बहुत टफ हो रहा है हम लोगों के लिए, मतलब हम केयर गिवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैंडल, इसलिए CUD लेके जाते हैं। क्योंकि CUD इज़ द लास्ट स्टेज बोल दूँ, वहाँ पे लाइक हम लोग तो बिल्कुल काम नहीं कर सकते। जो लाइक डिप्रेस्ड लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रखे हैं, वो लोग सुबह से लेकर शाम तक रोते हैं। मैंने यहीं पे देखा था एक केस, आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, पूजा उसकी दादी को मतलब उसकी दादी को लेके गए थे CUD। तो वो चीज़ें हैं, मैंने देखा था। पहले तो यहीं पे था तो वो लोग सिर्फ शिफ्टिंग करते थे बेताबोत टू CUD, लेकिन अभी हम लोगों के यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए वो लोगों ने इसी का ब्रांच पिसगा खेन बोल के है एक, तो वहाँ पे शिफ्ट किया है उनको। तो ऐसा होता है कि अगर आप टोटली नहीं कर पा रहे हो, भाई अब तो नहीं हो रहा है आप लोगों से, तभी ही CUD लेके जाते हैं, वो भी प्रॉपर डॉक्टर के कहने पे, ऐसे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि पहले जब मैं भी आई थी तब भी मुझे बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके मेरा भी कन्फ्यूज़न सारा दूर हो गया। एंड एज यू ऑल नो, मैं बेताबोत में काम करती हूँ, तो सबसे पहले तो यही क्लैरिटी है कि बेताबोत में आपका दादा दादी को ले जाने से आपको काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात तो यही है। एंड दूसरी बात, आप अपने फैमिली से क्लैरिटी ले लो कि CUD लेके जा रहे हैं, सिक्कू लेके जा रहे हैं या बेताबोत लेके जा रहे हैं, तो तभी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको काम छोड़ना भी है या नहीं।
तो अगर आपका एम्प्लॉयर को CUD सिक्किम लेके जा रहा है तो आप नंबर चेंज कर सकते हो, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात। एंड तीसरी बात ये है कि आई होप आप सबका क्लैरिफिकेशन थोड़ा बहुत भी ये वीडियो से हेल्पफुल रहा होगा। जो नए हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों को कुछ नहीं पता होता है। एंड जो पुराने हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड जिनको पता है उनको तो पता ही है, उनको तो क्या ही बोलना, उनको तो सभी पता होगा। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। एंड आई होप कि थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।